सेवा नारायण सेवा केवल नाम की नहीं। ओ महाराज, यो तो चेहरो बताई रहे हो आप रो भी है मारो भी है और ये चेहरो पिछलो हिस्सो है। हाँ, अपने ये फाइबर में देख लो ठीक है। मारा नशा ऐसी नशे को दया की नशे, कोई करुणा की नशे, कोई मीठा बोलने की नशे, कोई साकारी जीवन जीने की नशे। भैया मैं तो बार बार अपने आप को भाग्यवान मानता हूँ, धन्यवान मानता हूँ। ठाकुर जी ने कितनी कृपा कर दी। पिताजी जब 3 घंटे रोज नवा पारायण पाठ करते थे, बहुत बार मुझे आश्चर्य होता था इतनी देर से विराजे। क्या पिताजी बोर नहीं हुए? क्या पिताजी को न लगा कि उठ जाऊं मैं? लेकिन उनका मन वश में था। बाबूड़ा, जंगल के हाथी को जब पालतू हाथी बना दिया जाता है तो लाखों लाखों मन लाखों क्विंटल लकड़ी के गट्ठों को ले जाता है। हमने देखा कभी उत्तराखंड आप पधारोगे, यमुनोत्री गंगोत्री पधारोगे, हमने तो देखा है कई हाथी जा रहे हैं, उनके इधर 10 क्विंटल 20 क्विंटल लकड़ी का डंडा लठ लगा हुआ है, इधर भी लठ है और वो जा रहे हैं और जहां गंतव्य स्थल तक उन लकड़ियों को पहुंचाने का स्थान उन पहाड़ों और कंदराओं से वही है। अपने मन को एकाग्र करें, अपने मन को कंट्रोल करें। पहले व्यासपीठ पे हाजिर होता तो मंगलाचरण मंगलाचरण को आप अरे महाराज मंगलाचरण मतलब श्लोक बहुत बढ़िया, मंगलाचरण मतलब मोटी मोटी वाता कई मोटी वाता है, मोटी वाता वे व्यवहारो अच्छो राखनो। कलाकार ने 7 महीने में पैरों को छोड़ के सब कुछ बना दिया और चरणों को बनाने में 16 महीने लग गए। इन्हीं चरणों में सब प्रणाम करेंगे, इन्हीं चरणों को स्पर्श करेंगे, इन्हीं चरणों में बच्चे धोख देंगे। कहते ना पैरों में पड़ रहे हैं, आपके चरणामृत में धोख दे रहे हैं, आपके चरण स्पर्श कर रहे हैं। अभी आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी हमारे बंधुओं की, भीमसेन जी ने जब कहा अर्जुन तुम नारायण अस्त्र लेके आए हो, देवराज इंद्र ने आपको नारायण अस्त्र दिया, शंकर भगवान ने आपको पशुपति अस्त्र दिया, इसका प्रभाव बताइए अर्जुन। आकाशवाणी होती है नहीं अर्जुन नहीं, प्रभु के देव उपहार प्रदर्शन के लिए नहीं होते, ये व्यवहार के लिए होती है। आपकी हमारी जिह्वा, ओ महाराज अभी आपने कहा था 4 दिन पहले कहा था, हमने दुआ नोट भी कर लिया, परसों मेरे पास एक ईमेल आए बोले हमने उस पर चलना भी प्रारंभ कर दिया, तब मेरा दिल खुश हुआ लाला, तब मेरा दिल प्रसन्न हुआ, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। जब ये ईमेल आया हमने हमारी वाणी को मीठा बना लिया, हमने असत्य को छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत में तो शुरुआत के प्रारंभिक श्लोक में आता है एक आधा अर्ध मंत्र, अर्ध मंत्र मैं बोलूंगा आप उस अर्ध मंत्र को दोहराएगा। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, और ये सत्य है ये शरीर की हड्डी आपके हमारे सबको परमात्मा ने दिए। एनाटॉमी में आता है पुरुषों की रीढ़ की हड्डी को आधा फीट 1 फीट या 2 फीट लंबी होती होगी, महिलाओं की थोड़ी छोटी होती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन के 33 है
एल फोर नंबर पंचा महाराज ए सी ये सब एक थोड़ोक नस दब जाओ ना और कई वो मारो मणको दब गयो हाँ और थोड़ी नस दब जावे तो त्राई त्राई हो जावे। जब घुंघरू बजाती हुई बहू घर में आती है, छमछम करती आई, बहू छमछम करती आई, सास खुशियों से छाई, सास उसर की कुसुम लता, उसको इतना सास को प्रेम उमड़ता है, बेटी उसे तो भूल जाती है, बेटी को तो बहू से प्रेम करती है, तब वो घूमती रहती है फिरती रहती है ना, तो क्या हमारी घर की खुशहाली आ गई है। बहू नहीं है तो सुना हो गया, आज प्लेयर गई हुई है तो मेरी बहू नहीं है तो सुना सुना लग रहा है। तो ये है सास बहू का रिश्ता और परिवार का रिश्ता। हम रिश्ता इस जमाने में सबको प्यार दो, रिटर्न वापस आएगा। खूब खुश रहें परिवार, समाज सब खुश रहेंगे। खुशी देने की बात है, बात में रिटर्न मिलने की। हम ये सोचते हैं कि कोई हमें खुश रखे, हमारी सारी पूर्ति करे, तो ये क्या हुआ? मांगना हुआ। और देना क्या हुआ? प्यार देना हुआ। प्यार लेना एक मांगना होता है। आप और हम ऐसा बनना चाहते हैं ना कि हम धरती पर भार न रहें, हम भी एसेट हो जाएं, हमें भी लोग चाहें, हमसे मिलना चाहें, हमसे बात करना चाहें, हमें देखना चाहें, हमारी बातें सुनना चाहें, हमारे ऑटोग्राफ लेना चाहें, हमको लाखों लोग पसंद करें। उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो आप हम में डेवलप हो जाए, और वो बहुत आसान सी है, बहुत मुश्किल नहीं है। तो आप वैसे शख्सियत बन जाएंगे जैसे आप और हम जानते हैं, बड़े बड़े 10-20 नाम, अमिताभ बच्चन अगर उदयपुर में आ जाए तो आप और हम सब लोग लाइन लगा कर उससे मिलना चाहेंगे, घंटों खड़े रहेंगे। स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चंद्रशेखर, कितने महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी जी, आज जो भारत देश में सबसे ज़्यादा दुनिया में चाहते हैं सभी के, वैसा सब बनना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करना पड़ेगा। क्या क्वालिटीज़ डेवलप करना पड़ेगा? सबसे पहली क्वालिटी क्या है? सबसे पहली क्वालिटी है लोगों को लाइक कीजिए, लोगों को पसंद करना सीखिए। आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो सबसे पहले आप उसके बारे में ये मानसिकता बना लेते हैं कि आदमी अच्छा है या बुरा है। आप मानसिकता मत बनाइए, आप उसको लाइक कीजिए। उसको लाइक करना मतलब उसकी अच्छाइयों को लाइक कीजिए, आप उसके अंदर की अच्छाइयों को, उसके गुणों को देखने का प्रयत्न कीजिए। हमारी आंखें तो दोष ढूंढती है, कमियां ढूंढती है, हमारी आंखें अच्छाई ढूंढती कहाँ हैं? सबसे पहला सूत्र अच्छी पर्सनालिटी का सामने वाले के अंदर अच्छाई देखना है, और उस अच्छाई देखकर उस व्यक्ति को लाइक करना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पहला फॉर्मूला कि हमें अच्छाई ढूंढनी है। दूसरा, आपको पता है सबसे बड़ी भाषा इस दुनिया में कौन सी है जो सब जानते हैं? सब जानते हैं इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब उस भाषा को जानते हैं। कौन सी भाषा है? अंग्रेजी भी नहीं, ऐसी अंग्रेजी कौन जानता है? कुछ देश जानते हैं, पूरा वर्ल्ड नहीं जानता, पूरी दुनिया नहीं जानती अंग्रेजी को। प्रेम की भाषा, स्नेह की भाषा, प्यार की भाषा जो पूरी दुनिया में जानते हैं। आप अगर यहां किसी अंग्रेज के सामने, अंग्रेज आपके सामने आ जाओ और एक मुस्कुराओ तो वो क्या करेगा? आप अगर मुस्कुराएंगे तो वो क्या करेगा? वो भी मुस्कुराएगा। जानते हैं ना एक दूसरे, दोनों एक दूसरे की भाषा को जानते हैं। ये मुस्कुराहट जो है ना, ये किसी और को दे दीजिए, सामने वाला बिना मुस्कुराए रह नहीं सकता। तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? किसी के साथ मिलना है तो आपको कैसे मिलना है? मुस्कुरा के मिलना है। कैसे मिलना है? मुस्कुरा कर मिलना है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सब में गुण देखने हैं। क्या देखने हैं? अच्छाइयां देखनी हैं। सबको लाइक कीजिए, जो भी आपसे मिल रहे हैं उसको आप
अच्छे से लाइक कीजिए, उसके गुण को, उसके अच्छाइयों को देखने के प्रयत्न कीजिए। दूसरी बात, मुस्कुराहट के साथ मिलिए, चेहरे पर एक छोटी सी हंसी होनी चाहिए। आप किसी को हंसी देते हैं तो सामने से मिलता क्या है, पुनः हंसी मिलती है। और आप किसी को नफरत देते हैं तो सामने से मिलता क्या है, पुनः नफरत मिलती है। तो हम मुस्कुराहट के साथ मिलने की कोशिश करें। हेलो, माय नेम इज आरोही शर्मा। आई एम फ्रॉम कानपुर एंड आई हैव दिस हैंड प्रॉब्लम फ्रॉम बर्थ। सर, मेरा नाम शिवम गुप्ता, मैं शुक्लागंज उन्नाव से मतलब रहता हूँ वहाँ पे। और मेरा जो पैर है, ये हाथ है, दोनों पैर है, ये सब बचपन से ही मेरा बर्थ से ही बाय बर्थ। गेट पे लटके थे, भीड़ ज़्यादा थी तो भीड़ की वजह से धक्का लग गया, तो हम हाथ छूट गए तो गिर गए ट्रेन से, तो दोनों पैर हमारे झकरकट्टी पुल के नीचे कट गए थे। चार पाँच साल का था तब मैं मशीन से मेरा हाथ कट गया था, मैं बहुत दिक्कत हो रही थी। भाई, हमारे एक दोस्त ने बताया था कि नारायण सेवा संस्थान में कैंप लगा है, वहाँ से आपको पैर मिल जाएगा। ये हाथ एक आर्टिफिशियल है, ये गिलास को उठाना हो तो शोल्डर की असिस्ट से हम लोग हाथ को हिला सकते हैं एंड और बहुत ज़्यादा असिस्टिंग फीचर होगा ये। तो लोगों के बहुत सुने कि पैर वहाँ का अच्छा होता है, लोग अच्छे ऊपर स्टैंड रहते हैं। आज नारायण सेवा संस्थान खुद मेरे कानपुर शहर में एक बहुत ही अच्छे से मतलब यहाँ का जो सिस्टम था बहुत ही बढ़िया रहा। इस चीज़ की बहुत खुशी कि नारायण सेवा संस्थान उदयपुर का पैर मेरे जो लगा हुआ है कानपुर शहर में आकर। धन्यवाद देना चाहेंगे नारायण सेवा संस्थान को। आई गेस नाउ इट्स पॉसिबल फॉर मी टू पार्टिसिपेट इन एनी पब्लिक फेयर विदाउट हेजिटेशन, तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। Oh।